अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेल्दी प्लेट बाय एसएम में एक दफा फिर से आपको वेलकम करते हैं। आज हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाने लगे हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं कि चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। व्हिप क्रीम ली है मैंने, एक कप के करीब है मेरे पास, 250 ग्राम। दूसरी सिंपल वाली डेयरी क्रीम जो होती है वो मैंने ली है 200 ग्राम। कंडेंस मिल्क है मेरे पास तकरीबन, ये भी 200 ग्राम के करीब ही है। कोको पाउडर चाहिए 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आधा कप दूध है, नॉर्मल जो दूध था बॉईल करके उसे ठंडा कर लिया। चॉकलेट है, चॉकलेट लेके उसे ग्रेट कर लिया। ये सारी चीजें चाहिए, चॉकलेट भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के। सबसे पहले हम क्रीम को व्हिप करेंगे। क्रीम जब भी व्हिप करनी हो हमेशा फ्रीजर की क्रीम इस्तेमाल करें, उसे अच्छी तरह से ठंडा कर ले ताकि वो आसानी के साथ व्हिप हो जाए। क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो गई है, तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट लगे व्हिप करने में मुझे। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप बेशक इसमें क्रीम इस्तेमाल के लिए ना डालें, लेकिन कंडेंस मिल्क डालने से बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर इसका आता है। मिक्स हो गया तो अब मैं दूसरी क्रीम इसके अंदर डाल दूंगी, डेयरी क्रीम जो थी। साथ ही इसमें कोको पाउडर डाल दूंगी और दूध भी डाल दूंगी। इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी और उसके बाद उसे बीट करूंगी। मिक्स इसलिए करूंगी कि कोको पाउडर मैंने डाला है तो वो उड़े ना। अगर कंडेंस मिल्क आपके पास ना हो तो आप पिसी हुई चीनी जो है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखें इस तरह की हमें चाहिए, थोड़ी सी रनी सी, इसीलिए मैंने इसमें दूध इस्तेमाल किया है। मिक्स हो गया तो मैं इसके अंदर अब आखिर में मैंने जो चॉकलेट थी वो डालूंगी इसमें। मिक्स करने के बाद अब मैंने जो चॉकलेट क्रश की थी वो इसके अंदर मिक्स कर देनी है। इसको हमने बीट नहीं करना, सिर्फ हल्का सा मिक्स करना है। अब मैं इसे निकालूंगी बाउल में जिसमें मैंने पहले से क्लिंग फाइल लगा दी। कोई भी प्लास्टिक का कागज आप इसमें लगा दें, वो लगाना सिर्फ इसलिए है कि इसे निकालने में हमें आसानी हो। टैप किया, उसके बाद इसको इसी तरह से हमने इसी के साथ ही कवर कर देना है। ये बिल्कुल तैयार है, तो अब मैं इसे फ्रीज करूंगी कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। जितनी ज्यादा इस दफा लाइट जा रही है तो उसमें आप इसका टाइम देख लीजिएगा कि कब ये फ्रीज हो जाए, जब फ्रीज हो तो आप उसको निकाल लें। तो अब मैं इसी को मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था, तो ओवरनाइट के बाद अब हम इसका भी प्लास्टिक जो है ये उतारते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं कि अच्छी तरह से ये फ्रीज हो चुकी है। कोई भी आप बर्तन ले लें जिसमें आपने इसको निकालना हो, उसके ऊपर इस तरह से इसको पलट दें तो ये आराम से निकल आएगी। देखें इस तरह से, अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी क्योंकि मुझे यही वाला हिस्सा जो है ये ऊपर रखना है। अब मैंने इसके ऊपर क्रश चॉकलेट डाल दी है, सिंपल चॉकलेट लें उसे क्रश कर लें इस तरह से। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से ये देखें इसकी फाइनल लुक। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।